हेलो एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाला हूँ राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो का एपिसोड नंबर एट और हाँ देखो मुझे अभी भी सर्दी लगा पड़ा है तो पता नहीं मुझे क्यों इतना देर से सर्दी लगा हुआ है और मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है सो तब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ देखो भाई लाइक करो भाई लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो ओके okay, सो ज़्यादा बक बग ना करते हुए वीडियो में शुरू करते हैं तो सबसे सब पहले हमें दिखाया जाता है कि रफ्टालिया और फीलो एक जगह पर सो रहे होते हैं लेकिन वहीं पे ना फ्लूमी उसी हैमर जो उन्होंने गिफ्ट दिया था उससे ले कुछ तो बना रहा था और वो बनाने के बाद वो अपने हाथ में एक काइंड ऑफ बाली जैसा चीज वो लेने के बाद रफ्टालिया के हाथ के सामने आके मेजर करके वो चला जाता है फिर वो फीलो के पास आता है और एक अजीब सा एक चीज उसके सर को उधर लगाता है तभी फीलो जाग जाती है और फीलो कहती है कि आप क्या कर रहे हो मास्टर लेकिन नाफुलमी कहता है कि तुम सो जाओ और फिर वो अपने हाथ के पीछे वो छुपा लेता है और वहां से चला जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुका होता है और नाफुलमी फीलो के ऊपर वो काट को बांध रहा था और वो लोग जाने के लिए वहां से तैयारी हो रहे थे कि तभी वो लोग पीछे देखता है कि एक बूढ़ी औरत और उसके साथ एक छोटा बच्चा वहां से आ रहा होता है और ये देखने के बाद उनको बिठाता है और उनको खाना देता है जो उनका पास थोड़ा सा बचा हुआ था और वो लोग कहते हैं कि तुम लोग उधर उस गांव की तरफ प्लीज मत जाओ वहां पर एक बहुत गंदा वाला प्लेग प्लेग चालू हो गया और जिनको प्लेग नहीं पता तो वो एक बहुत ही खतरनाक वाला डिजीज होता है बहुत ही जल्दी फैल भी जाता है तो वो लड़का वो जो बच्चा था वो कह रहा है कि तुम अगर वहां पर जाओगे तो तुम लोग जरूर से मारा जाओगे लेकिन नाफ्ली में तो अपना मन बना लिया था और वो वहाँ से उस कार्ट को लेके चला जाता है उसी गांव की तरफ वो गांव की तरफ घुसता ही है कि उससे सामने दिखता है कि पूरा गांव एकदम वीरान पर आए और उसे एक आदमी दिखता है और वो आदमी उसको देख के कहता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए ये तो अभी पूरा गाँव नष्ट हो चुका है और तभी वो फील्डों की तरफ देखता है और कहता है कि क्या वो वो हेवनली फाउल है क्या तुम शील्ड हीरो हो और ये सुनने के बाद ही वो दौड़ के विलेज के जो डॉक्टर है उस डॉक्टर के पास चला जाता है और फिर वो डॉक्टर आता है और नाफुल उम्मीदी के साथ बातें करता है तो नाफुल उम्मीद घूसता है कि सर

पेशेंट को पिलाता है वो दवाई वो पेशेंट बिल्कुल हील हो जाता है और ऐसे ही फीलो रफ्टार या सब मिलकर सबको पिला देती है और सबको हील हो जाता है और ये देखने के बाद वो डॉक्टर सारा जो उसका दवाई है सब कुछ खरीद लेता है और तभी में जब वो दवाई रख रहा था अपने कार्ड से लेकर उधर स्टोर रूम में तब वो देखता कि साइड में एक बूढ़ी आंटी बहुत ज़्यादा रो रही थी और फिर कट होता है हमें दिखाया जाता है कि वो डॉक्टर में को फिफ्टी सिल्वर कॉइन देता है और कहता है कि थैंक यू मास्टर आपने काफ़ी अच्छा काम किया है आपको वैसे इतना कुछ हुआ में कहता है कि फिफ्टी सिल्वर बहुत ज्यादा कम है लेकिन ठीक है फिर भी मैं ले लूंगा लेकिन तभी वो डॉक्टर को इस बात का डर था कि अभी तो ये लोग ठीक हो गए लेकिन क्या पता फिर से ये प्लेग और ज्यादा फैलने लगे और फिर में कहता है कि नाफर हाँ, ये बात तो सही है ये सॉल्यूशन है परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और तभी नाफरुमी उनसे पूछता है कि असल में तुम मुझको ये बताओ कि हुआ क्या था और यह सुनने के बाद जो डॉक्टर होता है वो एक्सप्लेन करने लगता है कि कैसे उस माउंटेन के उधर से एक हवा जिस के से ये सारा प्लेग है। उस माउंटेन के ऊपर अच्छा था क्योंकि और ड्रैगन को लाश को देखने के लिए कई सारे एडवेंचरर्स आ रहे थे और माउंटेन तक क्लाइम कर रहे थे जिसकी वजह से हमारे ग्राउ को भी काफी ज्यादा फायदा हो रहा था लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि एक एडवेंचरर माउंटेन में चढ़ा लेकिन वो अब सफोकेट होकर मर गया और और उसके बाद से जो ड्रैगन का जो मीट था वो सर गया बिल्कुल और इतना गंदा वहां से बदबू आया और उस वो पूरा एक डिजीज फैला दिया जिसके वजह से हमारा गांव भी पूरा सफर कर रहा है और ये यह नाफिल में कहता है कि उस गधे को इतना भी नहीं पता कि मांस सड़ता भी है उसने मार तो दिया लेकिन उस मांस को हटाया भी नहीं और उसके बाद नाफिल में बोलता है तो क्या तुम लोगों ने राजा को इन्फॉर्म नहीं किया फिर वो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ हमने कोर्ट पर इन्फॉर्म किया था लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि अभी जो हीरोज़ है वो काफ़ी बिजी है और अभी के लिए सिर्फ मैं तुम्हें मेडिसिन नहीं भेज सकता हो और ये सुनकर नाफिल में कहता है हीरो बिजी है और उसके बाद कह रहा है कि कोर्ट को बोल दो कि कोई मेडिसिन आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं रफ्टा लिया और हम लोग वहां पर जाएंगे और उसको हटा देंगे और ये सुनकर वो जो डॉक्टर था वो डॉक्टर पहले तो बहुत घबरा जाता है लेकिन बाद में उसे बहुत ज्यादा थैंक यू कहता है और फिर वो नाफिल में कह रहा है कि मुझे कोई थैंक यू वैंक यू नहीं चाहिए मुझे बस पांच सिल्वर कॉइन दे देना और यह सुनकर वो डॉक्टर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि पांच सिल्वर कॉइन हमारे पास तो नहीं होगा और फिर नाफिल में कहता है कि मैं कहा मांग रहा हूँ तुम जो पैसे से दवाई खरीदते वही पैसा तुम मेरे को दे दो मैं कोई डिस्काउंट भी नहीं मांग रहा और फिर नाफलूमी और मिलके अपने कार्ट के साथ उस माउंटेन की तरफ चलने लगते हैं और कार्ट में अभी काफी ज्यादा सामान लेके घूम रहे थे और वो लोग ऊपर चलते ही जा रहे थे और अपने मुंह में एक मास्क भी पहने रखे थे क्योंकि वहां का जो हवा था वो काफी ज्यादा टॉक्सिक था इसीलिए वो लोग एक मास्क पहन लिए थे अपने प्रोटेक्शन के लिए और जब वो लोग सामने जा रहे थे तभी वो लोग देखा कि कई सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर उनके सामने सामने बैठे थे बहुत सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर और यह देखने के बाद कहता है कि अगर हम इन सब के साथ फाइट करने जाए तो हमारा कोई फायदा नहीं होगा इससे बेहतर होगा कि मैं कुछ ऐसा जैसे कि ये सब एक बार में भाग जाए और फिर अपना शील्ड का पावर यूज करता है और एक शील्ड उनके तरफ फेंक देता है जिसकी वजह से सब जितने भी मॉन्स्टर थे सब एकदम उड़ जाते हैं वहां से और नाफरूमी अपना कार्ड लेके वहां से जोर से भगा लेता है और फिर वो लोग एक जगह पे आके रुकते हैं जहां से एकदम सामने था वो ड्रैगन का लाश और वहाँ पे काट को लगा देता और फिर लोग वहां पर जो फ्रूट्स रखा था उनको खा रहा था और फिर नाफलूमी और लिया। दोनों मिलके वहाँ उसके तरफ चलने लगते और वो वो लो लोग तभी जाके देखते कि जो ड्रैगन का बहुत बड़ा लाश वहाँ पे गिरा हुआ था और ये देखने के बाद वो लोग कह रहे कि काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रहा है और वो लोग उसके करीब जा ही रहे थे कि अचानक से कुछ ऐसा होता है कि जो ड्रैगन था उसका आंखें जलने लगता है उसका आंखें जलने लगता है और उसका जो खून नीचे गिरा था वो खून फिर से वापस चलने लगता है और उसके जो फेदर्स जो कि बहुत ज्यादा टूट बिखर गए थे वो फेदर्स फिर से वापस आने लगते हैं और वो ड्रैगन फिर से काइंड ऑफ जिंदा हो जाता है और एकदम जोर से आसमान की तरफ देख के चिल्लाता है और ये देख के नावफरूमिया और रफ्टालिया दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और नावफरूमी कहता है कि ये तो एक ड्रैगन का जोम बन चुका है और ये सब देख के वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे कि तभी फिलो वहाँ से आता है और उड़ के जाके कहता है कि मैं ड्रैगन को बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ और ड्रैगन के मुँह में जाके एक लात मारता है और फिर फिलो नीचे आ जाता है लेकिन तभी वो जो ड्रैगन था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मुंह में वही पॉइजन वाला गैस कलेक्ट करना चालू कर देता है और नाफुलमी की तरफ फेंकने फेंक देता है और नाफुलमी अपने शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है और उसके पीछे रफ्टालिया और फीलो भी रहती है लेकिन नाफुलमी जानता था कि वो अपने शील्ड से खुद को तो पूरा प्रोटेक्ट कर पाएगा लेकिन रफ्टालिया और फीलो को नहीं प्रोटेक्ट कर पाएगा और इसी वजह से वो थोड़ा डर भी रहा था इस चीज़ से लेकिन तभी नाफुलमी मन ही मन सोचा कि अगर मैं इसको अभी नहीं ख़त्म करूँगा तो जितने भी गाँववासी है वो फिर से प्रॉब्लम में आ जाए सब फिर से मरना चालू हो जाएगा इसलिए जो करना है मुझे अभी करना है लेकिन वो जो गैस था उसकी वजह से रफटालिया का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था नाफलूमी रफ्टालिया को थोड़ा सेफ कर ही रहा था कि तभी पीछे से फीलो उड़ के चला जाता है और ड्रैगन को मारना चालू कर देता है पहला दो बार तो फीलो ड्रैगन को मार देता है लेकिन तभी वो साइड से जाके ड्रैगन को मारने जाता है और नाफलूमी कहता है कि फीलो तुम अकेले मत जाओ वहां पर और फीलो नाफलूमी की तरफ देखता ही है कि तभी वो ड्रैगन अपना मुंह खोलता है और फीलो को पूरा निकल लेता है और वो ड्रैगन का माउथ पूरा खून से भरती हो जाता है और जब फिलो को वो निगल लेता है तो उसके पूरा गले से जाते हुए नाफलूमी और अफटा देखता है नाफलूमी ये देख के बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं कर पाता उसका कुछ नहीं सूचता उसको अपने ऊपर बुरा लग रहा था वो सब कुछ याद करता है कि कैसे फिलो उसके लाइफ में आया था कैसे फिलो हैच हुआ था और एक छोटा सा बच्चा था कैसे उसने उसको केयर किया था और कैसे फिर एक दिन फिलो एक एंजल में बदल गई और कैसे उसके साथ इतना कुछ मेमोरीज था नाफलूमी सब कुछ याद कर रहा था वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था वो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करे फिर नाफलूमी अपने मन ही मन सोचता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है मैं हेट करता हूँ मैं इस पूरे दुनिया को हेट करता हूँ मुझे कुछ पसंद नहीं है और वो अपने अंदर जितना भी एंगर था वो सब एंगर को एक साथ ला रहा था और तभी उसके विजन में एक एक टेक्स्ट लिखा आता है कि क्या तुम्हें पावर चाहिए और ये सुनने के बाद नाफलूमी कहता है कि हाँ मुझे पावर चाहिए नाफलूमी जितना भी मोमेंट हुआ था जितना भी गंदा मोमेंट हुआ था उसके साथ जब जब वो सोफिया ने उसको चीट किया था और उसके साथ सबके गंदा बिहेव किया था वो सब मन ही मन दोहरा रहा था फिर और एक टेक्स्ट आता है कि क्या तुम्हें हेट मिला है क्या तुम्हें पावर चाहिए उस हेट का नाफरुमी कहता है हाँ मुझे चाहिए और नाफलुमी का अचानक से जितने भी फीचर्स अनलॉक हुए थे सब उसके सामने आ जाता है लेकिन एक भी ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाता उसके एंगर ने उसके पूरे फीचर्स के ऊपर काबू कर लिया था और उसका एक भी फीचर काम नहीं कर पा रहा था लेकिन वो अपने एंगर को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था और और अचानक से उसका एक फीचर रेड हो गया और उससे उसका जितना भी फीचर्स था वो सारे फीचर्स रेड हो गए और वो फीचर्स एक साथ घूमने लगे उसके एंगर के वजह से नाफलूमी कोई भी फीचर्स के ऊपर अपना काबू नहीं जमा पा रहा था सब फीचर्स उसका अराउंड घूमने लगे नाफलूमी फिर भी फीलो के बारे में सोचे जा रहा था कैसे उस ड्रैगन ने फीलो को पूरा निकल लिया और ये सब देखने के बाद उसको इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसका पूरा आंख लाल हो गया उसका पूरा जो फीचर्स था सब दूर छिटक गया और वो पूरा एकदम आइसोलेटेड

जो ड्रैगन था वो अपना पंजा एकदम गाड़ के बैठा हुआ था और ये देखने के बाद रफ्टालिया बिल्कुल टूट जाती है वो नीचे गिर जाती है और सोचने लगती है कि शायद मास्टर भी अभी लेकिन तभी वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से एक फ्लैश और रेड फ्लैश ऑफ लाइट होता है और रफ्टालिया वहाँ पर देखती है तो नाफलूमी वहाँ से उठती है और नाफलूमी के शील्ड से काफ़ी तगड़ा रेड कलर का लाइट निकल रहा था वहाँ पर इतना ज़्यादा हवा चल रहा था कि रफ्टाले वहाँ पर जाने की कोशिश किया लेकिन उसे एकदम दूर ढकेल दिया नाफुलूमी के पूरे शरीर में उसके जितने भी फीचर्स अनलॉक हुए थे सब रेड कलर में दिख रहा था नाफुलूमी का आँख पूरा रेड हो चुका था और उसका जो शील्ड था वो शील्ड इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था कि उसके हवा की वजह से उसके नीचे का चट्टान उड़ के एकदम गए गड्ढा हो गया था नाफुलूमी के उसके बाद नाफुलूमी का पूरा आँख लाल हो गया था और उसका जो शील्ड था उस शील्ड पर पूरा आग लगने लगा उसको एक नया शील्ड अनलॉक हो गया जो शील्ड आज तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल शील्ड था उसके पूरे शील्ड में आग लग रहा था और वो जो ड्रैगन था वो अपने पूछ को नाफुली की तरफ जोर से मारता है लेकिन नाफुलुमी का शील्ड इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता और उसके शील्ड की वजह से ड्रैगन की वो आग भी लगा देता है और ये देखने के बाद वो ड्रैगन वहां से थोड़ा भाग जाता है लेकिन नाफुलूमी तो अभी अपने जोश में आ गया था उसका आंख वाक पूरा लाल वो गुस्से में एकदम थरथरा रहा था वो उसके साथ जितना भी गंदा चीज हुआ था कैसे उसको राजा ने उसको ह्यूमिलिएट किया था वो सब वो सोचता है और ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ता रहता है आगे बढ़ता और मनी मनसूस सोचता है कि डिस्ट्रॉय कर दूंगा मैं सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा सब के बारे में सोचता है जो भी उसके साथ आज तक गलत किया है और कहता है कि मैं सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा और मैं सबको मार दूंगा और उसके जो पूरा शील्ड है वो पूरा शील्ड में आग लग जाता है इवन उसका पूरा बॉडी से आग निकलने लगता है और ये सब होते ही उसके ऊपर एक फ्लैश लाइट आता है और वहाँ पर दिखाया जाता है कि उसका अचानक से नाफरूमी को एक आवाज़ सुनाई देता है और नाफरूम को आवाज़ सुनाई देता है कि मास्टर प्लीज़ ये मत करो आप सब कुछ डैमेज मत करो इस दुनिया में सबको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता लेकिन आप ही एकमात्र ऐसे बंदे हो जिसको मैंने ट्रस्ट किया था मैं आपकी शोर्ड हूँ आप, आप प्लीज़ ऐसी मत करो मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी और यह सुनने के बाद नाफिल्मी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है नाफिल का जो सारा गुस्सा था वो ठंडा हो जाता है वो साइड में देखता है कि ये कौन है और फिर उसे पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि रफ्टालिया और रफ्टालिया के शरीर में काफ़ी ज़्यादा चोट आए हुए थे और रफ्टालिया उसका हाथ पकड़ के आ रहा कि मास्टर आप प्लीज़ ऐसा मत करो और यह देखने के बाद जो नाफरूमी होता है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है वो कहता है कि रफ्टालिया तुम्हारा क्या हुआ तुम्हें इतना ज़्यादा चोट कैसे लग गया और फिर नाफलूमी अपने आप को ही ब्लेम करता है कि ये सब मेरी गलती है मेरे वजह से तुम्हें इतना चोट लगा और तभी रफ्टालिया एकदम नीचे गिर जाती है और उसको एकदम बेहोशी हो जाती है वो इतना ज़्यादा घायल हो जाता है कि नाफलूमी अपना जो मैजिक पावर होता है उस मैजिक पावर से रफ्टालिया को हील करने की कोशिश करता है लेकिन रफ्टालिया हील नहीं होती वो फिर से दोबारा ट्राई करती है लेकिन दोबारा भी वो हील नहीं करती और इसी बीच हो सकता ड्रैगन था वो पीछे से आके अपना पंजा से नाफुलमी को अटैक करने जाता है लेकिन नाफुली का शील्ड तब तक इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था कि वो उस अटैक को आराम से झेल लेता है और चिल्ला के कहता है कि दूर हटो रफ्ट से और उसके बाद नाफुलमी खड़ा होता है और वो मन ही मन सोचता है कि अगर मैं इसको हराना है मुझे इस ड्रैगन को हराना है तो मुझे अपना ये डरावना पावर यूज करना ही होगा लेकिन अगर मैंने इस पावर को यूज करने गया तो मेरा जितना भी माइंड है वो सब माइंड नेगेटिविटी की तरफ चला जाएगा और फिर रफ्टालिया का ख्याल कैसे से रख पाऊंगा मैं और ये सब सोचता ही है कि तभी वो ड्रैगन को कुछ तो होता है वो ड्रैगन बहुत अनिजी सा फील करने लगता है वो ड्रैगन बिल्कुल भी अपने पैर में खड़ा नहीं हो पाता और एकदम ऊपर से नीचे गिर जाता है और ये सब देखने के बाद जरूरी होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि अचानक से ये क्या हो गया और तभी वहाँ पर जो रफ्टालिया थी वो भी थोड़ा उठती है और वो कहती है कि मास्टर ये क्या हुआ लेकिन वो फिर से बेहोश हो जाने की हालत में आ जाती है क्योंकि रफ्टालिया अभी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी थी और वो जो ड्रैगन था वो गिरने के बाद ही हमें दिखाया जाता है कि उसके पेट में कुछ तो हलचल हो रहा था और हाँ 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 आपने सही पकड़ा उसके पेट फाड़ के निकला फीलो और फीलो बाहर निकलने के बाद ही काफ़ी ज़्यादा खुश था और ये देखने के बाद जो रफ्टालिया और नाफिली होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ट हो जाता है कि फ़ीलो जिंदा है और वो लोग खुश भी काफ़ी होते हैं और तभी रफ्टालिया पूछता है कि फीलो तुम जिंदा हो हमें तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी और तभी जो फीलो था वो नाफरिमी से कहते

में खा रहा था वहां पे रेड कलर का मैंने बस वो सारे फ्रूट्स बाहर निकाल दिए थे इसीलिए वहां पे रेड रेड था और ये सुनने के बाद रफ्ट काफी ज्यादा खुश होती है कि फिलो एकदम सही सलामत है और फिर फिलो कहता है कि मास्टर मैं जब उसके पेट के अंदर गई थी तो मुझे वहां पर एक जेम मिला और वो जेम बहुत कमाल का था फिर वो जो नाफलोमी था वो सोचता कि अच्छा तो इसका मतलब वो जो जेम था शायद वही उसका पावर का मेन रीजन था फिर नाफलोमी पूछता कि अच्छा तो तुमने वो जेम कहाँ पे रखा है और फिर फिलो कहता है कि मैंने वो जेम खा लिया और फिर वो जेम के ऊपर थोड़ा पावर दिखाता है और वो जेम उसके पेट में ही चमकने लगता है और ये देख देखकर रफ्टालिया हंसने लगती है लेकिन वो इतनी ज्यादा वीक है कि वो हंसते हंसते फिर से सर चक्रा जाता है और ये देख के जो नाफुल होता है वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और कहता है कि रफ्टालिया जल्दी चलो मैं तुम्हें एकदम ट्रीटमेंट दिलाऊंगा लेकिन रफ्टालिया कहते हैं कि नहीं मास्टर हम यहां पर जो काम करने आए थे पहले हम उसको खत्म कर लेते फिर यहां से जाएंगे फिर नाफुल में कहता कि ओके तो चलो फिलो मैं और तुम मिलके ये जो ड्रैगन का बॉडी है उसको उसको एकदम अच्छी ठिकाना में लगा देते और उसके बाद वो लोग उसको लगा देते और फिर वो लोग आ जाते और फिर वहाँ का जो डॉक्टर था वो रफ्टा लिया का थोड़ा क्योर करती है और फिर वो नाफलूमी को जितना भी कॉइन वो डिज़र्व करता था वो सब कॉइन ला दे देता है लेकिन नाफलूमी उसको कहता है कि मुझे तुम्हारा कोई भी पैसा वैसा नहीं चाहिए तुम बस ये सब पैसे से ढंग से राफ्टा आलिया का ट्रीटमेंट कर दो लेकिन वो डॉक्टर कहती थी कि मैंने राफ्टा लिया को चेक किया और जितना मैं कर सकता था उतना कर दिया लेकिन रफ्टा आले का जख्म इतना ज़्यादा गहरा है उसका जो एक उसको एक कर्ज लग गया है और उसके वजह से उसको काफ़ी प्योर होली वाटर से उसका बैंडेड को सोख करके लगाना होगा नहीं तो वो ठीक नहीं हो सकता और अभी उतना प्योर होली वाटर मेरे पास नहीं लेकिन है। मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि अगर तुम किसी बड़े से टाउन के चर्च में जाओगे तो तुम्हें वो होली वाटर जरूर से मिल जाएगा जिसकी वजह से तुम रफ्टा लेकर ट्रीटमेंट ढंग से कर पाओगे और उसके बाद वो डॉक्टर उसको पैसा दे देता है और कहता है कि तुम ये सब पैसे अपने पास ही रखो क्योंकि उस टाइम पर तुम्हें ये पैसे की बहुत ज़रूरत होगा और उसके बाद जो नाफरूमी होता है वो पैसा ले के इस चला आता हैफटालिया के पास नर्सन का नाम सुनकर बहुत ज्यादा पता नहीं तुम लोग ने इतना अच्छा कैसे लड़ा उनके साथ वो जो नर्स होती है वहां से चली जाती है और फीलो जो नर्स होती, वो नर्स कहती कि अभी बच्ची के रूप में जाती है वो जल्दी से नौफन को जैसे मास्टर मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है और फिर उसको जब जेम देता है तो वो नाफलूमी और वो 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 कहता है कि अच्छा तो यही वो जेम था था जो जो उस ड्रैगन के अंदर था। फिर वो अपने शील्ड का मेन पोर्शन था उसको एक पावर को अनलॉक करने जाता है लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका शील्ड अभी तक उतना अपग्रेड हुआ ही नहीं है कि उस जेम को वो अंदर ले सके और यह देखने के बाद नाफलूमी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो याद करता है कि कैसे जो शील्ड उस टाइम पर उसका ट्रांसफॉर्म हो गया था वो शील्ड कैसे अगर आ, कितना ज़्यादा पावरफुल था और अगर वो थोड़ी देर भी वो पावर को यूज़ कर लेता तो नाफरूमी और रफ्टालिया दोनों मारे जाते क्योंकि वो वाला पावर काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है और वो सबको मार डालता अगर साइड में जो भी रहता और उसके बाद नाफरूमी उन दोनों से बहुत माफ़ी मांगने लगता है कहता है कि रफ्टालिया और फिलो मुझे माफ़ कर दो मैंने तुम्हारा जान को रिक्स में डाला सिर्फ मेरे फ़ायदे के लिए मैं तब अगर अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता और उस ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट कर लेता तो शायद तुम्हारे ऊपर इतना कुछ नहीं होता रफ्टा लिया शायद तुम इतना ज्यादा हार्म होते भी नहीं लेकिन ये सब सुनने के बाद रफ्टा और फीलो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं मास्टर आपका वैसा कोई भी गलती नहीं है आप ऐसे अपने ऊपर सब ब्लेम मत लो इवन हम भी चाहते तो अगर हम भी थोड़ा स्ट्रांग होते तो उसको हम मार सकते थे लेकिन हम नहीं हैं फिर ये सब सुन के नाफरूमी उन दोनों का हाथ पकड़ता है और कहता है कि देखो हम दोनों अभी पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं इतना ज्यादा स्ट्रांग कि हम पहले कभी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे और आगे आने वाले दिनों में हम इससे भी ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे लेकिन हम एक साथ स्ट्रांग बनेंगे और यह सुनने के बाद दोनों ही यस बोल के चिल्लाते हैं और फिर नाफरूमी थोड़ा मुस्कुराता है और यह देखने के बाद फीलो कहता है कि मास्टर अब पहली बार इतना मुस्कुराए और यह सुन के जो नाफरूमी होता है वो भी थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और सर में हाथ दे देता है और फिर जो रफ्टालिया होता है रफ्टालिया नाफरूमी से कहता है कि मास्टर क्या आज आप मेरे पास हो सकते हो लेकिन नाफरूमी तुमको तो पता ही भाई नाफरूमी हमारा सक लौड है बोलता है कि नहीं मैं नहीं सोने वाला फिर वो फीलो को उसके साथ भेज देता है और रफ्टालिया इससे उतना खुश नहीं होता फिर नाफरू ही बाहर जाता है और वो सोचता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना है ताकि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकूँ और मेरे साथ जो भी है उन सबको प्रोटेक्ट कर पाऊँ और मैं स्ट्रॉन्ग बन के ही रहूंगा सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ये वीडियो यही भी खत्म हो जाता है और मिलते हैं अगले वीडियो में टिल बाय बाय स्टे सेफ